हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अपे गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय अपे गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द वीकली टेस्ट इन मैथमेटिक्स सीरीज ऑफ क्लास 11 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक टेस्ट। सो लेट मी शो यू आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, आज का टॉपिक यानी सेट्स थ्योरी। बेसिकली ये आपका वीकली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया क्लास 11 के लिए भी, यानी CRT 01 से स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो जरा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज का पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन। तो बताइए, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मोरओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा अपने टेस्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी मैथ वाला पहला क्वेश्चन। तो ये रहा जी आपके सामने आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फॉलोविंग्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमें यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करना है। सबसे पहले तो जरा फर्स्ट वाले पार्ट में देखो और इसे फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करना। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या इसे मैं 1/1 लिख सकता हूँ? अगर हाँ तो न्यूमरेटर पे ध्यान से देखते रहो। हर एलिमेंट के लिए आपको 1 दिख रहा होगा, तो मैं डिनोमिनेटर पे फोकस करना शुरू करूंगा। डिनोमिनेटर में एलिमेंट्स में एक बार ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको नंबर दिख रहे होंगे बच्चों, समझे। अब ये जो नंबर है ना, बेसिकली ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, समझ रहे हो मेरी बात, ये 4 का स्क्वायर 16, और ऐसे चलते हुए ये 14 का स्क्वायर यानी 196। कुछ समझ आया? अगर हाँ तो यहां पर आपका सेट बिल्डर फॉर्म देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट एक्स सच दैट एक्स विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो हर जगह 1 ही है, तो 1/n² वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर बट इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 14, समझे। n की जगह 1 डालो, यहां पर 1/1² यानी फर्स्ट एलिमेंट, n की जगह 2 डालो 1/2² यानी 1/4, n की जगह 3 डालो 1/3² यानी 1/9, और ऐसा करते हुए आप सिर्फ 1/14² तक जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी है ना कि n इज लेस देन और इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट पार्ट में जो सेट गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो बस जी हमारा काम हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म रेडी हो चुका है। अब जरा बी पार्ट को भी देख लेते हैं बच्चों। तो बी पार्ट में बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर कहीं पर 2 है, कहीं पर 5 है, यानी सबको मैं नेचुरल नंबर तो कह सकता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे ऑल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स तो नहीं है। 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं बेसिकली? ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, सोचते रहो और माइंड में देखते रहो अपने कि मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब ये जो भी वैल्यू आने वाली है ना, उनमें जरा प्लस 1 करते चलो, इन सब में जरा प्लस 1 करते चलो और अपने सेट्स के एलिमेंट को देखते चलो, समझे। और ऐसा करते हुए अगर लास्ट में आप 16 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 256+1, समझे कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो ये रहा जी बी पार्ट का आंसर, दैट एक्स सच दैट एक्स विल बी इक्वल टू 2n² + 1, वेयर दिस n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर बट इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 16। बात समझ आई? n की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, मतलब यहां पर स्क्वायर होता जाएगा नेचुरल नंबर का, उसमें प्लस 1 करते ही सेट के एलिमेंट यानी x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। लेकिन ये काम n लेस देन और इक्वल टू 16 तक ही किया जा सकता है, मतलब हमें नेचुरल नंबर सिर्फ 16 तक ही लेने हैं, बात ध्यान रहेगी। ठीक है, चलिए जरा अब जरा थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है बेसिकली? तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट दे दिए हैं, यानी +3 and -3। देखो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका हमें क्या लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या लिखने वाला हूं। कई तरीके से आप लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं बेटा, समझे कि नहीं। बस आपको कोई ऐसा प्रोफाउंड तरीका ढूंढना होता है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए, ताकि वहां पर जो आपने डेफिनेशन दी है, जो स्टेटमेंट लिखी है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको ये जो स्पेसिफाइड एलिमेंट्स है यही मिल पाए, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो चलिए यहां पर काम शुरू करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट
एक्स इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट्स अगर आप लिखेंगे तो आपको मेरे ख्याल में तो यही मिलेगा, समझे? ठीक है, तो ये भी गया। अब जरा डी पार्ट को देख लेते हैं। तो डी पार्ट में आपको एलिमेंट दिख रहा होगा जीरो, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी हो लेकिन वन से छोटी हो, समझे? तो माइनस वन से बड़ा इंटीजर एंड वन से छोटा इंटीजर तो एक ही होगा, कौन सा होगा? तो वही वाला होगा ना जो यहां पर आपको दिया हुआ है, मतलब जीरो ही होगा। तो इस तरीके से हमारे ये चारों पार्ट्स तो सॉल्व हो गए। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, ठीक है बच्चों? तो ये रहा जी क्वेश्चन टू, आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में इन दोनों सेट्स को लिखना है। तो चलिए काम शुरू कर देते हैं जरा। तो यहां पर सबसे पहले वाले में आपको क्या बोला गया है, x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू या तो 1 2 3 ऐसे चलेगी या फिर इसमें जीरो भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, ये मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर का, ठीक है। तो हमें यहां पर x ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 50 से लेस नंबर मिले। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर जो मैंने x की वैल्यू आपको शो की है इसमें अगर मैं 4, 5, 6, 7 यहां तक भी डाल दू ना, मतलब 4, 5, 6, 7 अगर x की ये वैल्यू भी यहां पर मैं पुट कर दूं तो हमें इनका स्क्वायरिंग करने के बाद जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, 0, 1, 4, 9 ऐसे करते जाओ और लास्ट में 7 का स्क्वायर यानी 49। तो ये सारे नंबर x स्क्वायर लेस देन 50 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आ गया बच्चों, यहां पर 0 से लेकर 7 तक जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सब आप लिख दोगे, ठीक है ना। तो चलो जी ए पार्ट का आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 अब या तो 4, 5, 6, 7 सारे लिख दो या फिर डॉट्स भी लगा सकते थे आप लोग, एक सेकंड 5 मिस हो गया, 4, 5, 6, 7 तो बस जी ये आपका आंसर आ चुका है। अब जरा बी पार्ट को भी देख लेते हैं। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है बच्चों, यहां पर कह रहा है कि x नेचुरल नंबर होगा। अब ये सुनते ही आपको सोचना चाहिए कि x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है, लेकिन यहां पर फिर ये इक्वेशन भी तो गिवन है। तो चलिए जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं x की उन वैल्यूज में से जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में से हमें मिलेगा कौन से वैल्यूज ऑफ x आपका नेचुरल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पर जैसे ही मैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगा, यानी ये रहा जी आपका इक्वेशन, यहां पर फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक बार चेक करो आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो 1 मिलेगी एंड माइनस 2 मिलेगी। ये रफ वर्क है, साइड वर्क है, मतलब इसको फेयर में दिखाओ तो तुम्हारी मर्जी है या फिर डायरेक्टली कर दो ना, मेंटली कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे समझ में आया x की वैल्यू 1 एंड माइनस 2 आई, लेकिन जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ वही तो नेचुरल नंबर है। देखो आपके क्वेश्चन में आपको x ऐसा चाहिए था जो कि नेचुरल नंबर हो। तो बस जी आपका आंसर आ चुका है, यहां पर 1 लिखिए, आपका काम हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहां पर क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक सेट ए दिया हुआ है, हमें एक सेट बी भी दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं ये बताइए, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो मुझे सेट्स के ना यहां पर टेबुलर फॉर्म लिखने पड़ेंगे, यानी इनके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो चलो जी काम शुरू कर लेते हैं। तो सेट ए में हमें क्या मिलेगा बच्चों, इन्होंने बोला हुआ है x विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा, लेकिन उसका स्क्वायर करने पे हमें 4 या 4 से छोटा नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 वाली कंडीशन ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 डालूंगा तो यहां पर 2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 ये भी जस्टिफाई हो गया, लेकिन अगर 3 डालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 0 पुट करूंगा तो इस रूल को वायलेट कर दूंगा कि x has to be a positive integer। तो इसका मतलब सेट ए तो पूरा हो गया, ठीक है बच्चों।
अब जरा सेट बी को भी देख लो, तो सेट बी में इसने बोला हुआ है एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन यहां पर ये कंडीशन दे दी है, मतलब इक्वेशन दे दिया है। अगेन जरा इसको मैं रफली सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और अगर इसके हम लोग फैक्टर बनाए तो ध्यान से देखना क्या मैंने फैक्टर ठीक बनाए हैं। तो यहां से एक्स की वैल्यू वन एंड टू आनी चाहिए, और क्या ये दोनों रियल नंबर हैं? अगर हाँ तो यही आपके सेट बी का एलिमेंट फॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर ये दोनों रियल नंबर हैं, तो मैं सेट बी को लिख देता हूं। तो सेट बी क्या बनेगा बच्चों? 1, 2। अब जैसा कि आप लोग यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, दोनों ही सेट में बिल्कुल आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। मतलब मैं क्या कहूंगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। सो लेट मी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर आइडेंटिकल। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं बच्चों, तो इस वजह से वी कैन कंक्लूड दैट ए विल बी इक्वल टू बी, और यही आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब जरा बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, यहां पर कह रहा है कि इफ जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर हो गया, एंड एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज जेड माइनस एन। भाई सुनना, एन का मतलब क्या हुआ, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखो इस तरीके से आएगा, क्लियर है। और जेड का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो जेड का मतलब बेसिकली, जैसे मैं स्टार्ट करूं माइनस इंफिनिटी से, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, यहां जीरो, यहां वन, यहां टू, यहां थ्री, और ये लिखते जाओ 4, 5, 6, 7, जहां तक आपको लिखने का मन करे, और यहां डॉट लगा दो भाई, अब मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जेड माइनस एन फाइंड करना है। तो जेड में से एन को छोड़ दोगे तो इसका मतलब बचेगा क्या, यहां पर सिर्फ देखो ऐसे नंबर बचेंगे ना, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, और ये जीरो भी बचेगा। तो बस ये आपका आंसर आ चुका है, यानी जेड माइनस एन की वैल्यू आप लोग लिख चुके हो। इसे और कैसे कह सकते हैं बच्चों, यानी इस चीज को और कैसे लिखा जा सकता है, वी कैन फर्दर राइट इट दैट एक्स सच दैट एक्स इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। समझे, ये जितने भी वैल्यूज यहां पर आपको दिख रही है ना, इनमें से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बच्चों, एक्स इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, बस जी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी यहां पर नेगेटिव इंटीजर या फिर जीरो इंटीजर आपको दिख रहा होगा, इसलिए तो मैंने बोला नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी थर्ड क्वेश्चन का ही सी पार्ट। तो यहां पर आपसे बोला हुआ है राइट द इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पर जो इंटरवल आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये कौन से टाइप का इंटरवल है, इसका नाम क्या है, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। फिलहाल यहां पर आंसर लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज अ रियल नंबर, जहां पर ये देखो ये कंडीशन, समझे कि नहीं, यहां पर देखो ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, समझे, तो क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट है, इस वजह से यहां पर इक्वल आएगा, और यहां पर सिंपल पैरेंथेसिस यानी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए यहां पर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सोचो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, समझे, ये मतलब हुआ इस वाले स्टेटमेंट का जो सबसे पहले इन्होंने आपको दिया हुआ है। अब फर्दर इसी बात का फायदा उठाते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और इंटरसेक्शन में हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसलिए यहां पर आंसर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ए यूनियन बी, तो क्योंकि ए यूनियन बी करोगे तो सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आपको मिक्सअप करके एक जगह डाल देने हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सेट बी मिल जाएगा। बात समझ आ रही है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहां पर क्या बोला गया है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से और इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आने वाला है। पढ़िए वन बाय वन, जो भी डाटा आपके सामने है उसको हम यहां पर पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, यहां पर आपको एन ऑफ यू भी गिवन है जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है,
एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सब आपको गिवन है। आपको फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए यहां पर सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर्मूला यहां पर देखो क्या लगेगा बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझे। अब इन सब की वैल्यू तुम्हारे पास है, ये 200 है, ये आपका 300 है और ये 100 है, ठीक है। यहां चेक कर लो, ये बन जाएगा आपका 400। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है बच्चों। अब जरा सेकंड पार्ट को भी देख लो। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, समझे। तो इस चीज को फर्दर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? तो बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसे ही लिखने के बाद हम लोग फर्दर इसे इस तरीके से भी लिख लेंगे, समझे। तो यहां पर एन ऑफ यू यानी 700 और ये हमने फर्स्ट पार्ट में अभी अभी ऑब्टेन किया है, तो ये बनेगा आपका माइनस 400 यानी सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 300। ये लो जी सेकेंड पार्ट का भी आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है बच्चों। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो क्वेश्चन 5 में यानी यहां पर ए पार्ट आपको दिख रहा है, तो इन्होंने क्या करने के लिए बोला हुआ है, यहां पर आपको एक सेट यू दे दिया है, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, और आपसे बोला जा रहा है यहां पर क्या बोला गया है बच्चों कि आपको कोई सा भी एक डी मॉर्गन्स लॉ यहां वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली हमें दो लॉ दिखते हैं यहां पर, क्या मैं दोनों प्रूव कर दूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहे आपके दोनों लॉ, जैसा कि आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं दोनों ही आपके लिए प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ चीजें ऑब्टेन करके रख लेता हूं। मैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, यानी यू माइनस ए ऐसे करके निकालते हैं, है ना। चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1, 3, 5, 6, 7, 8, ये तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके बाद जरा बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस बी, तो यहां पर आपको एलिमेंट्स तो दिख रहे होंगे सेट बी के, तो हम यहां 1 लिखेंगे, 2 और 3 नहीं लिखेंगे, 4, 5 फिर उसके बाद 6 भी आएगा, 7 नहीं लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जरा ए यूनियन बी ये भी निकाल लो। अब इसके बाद सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स आपको दिख ही रहे होंगे बच्चों, तो बस इनको जरा मिक्सअप करके लिख दो, यानी ए यूनियन बी ये भी निकाल रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, तो कॉमन एलिमेंट तो मुझे यहां पर सिर्फ 2 दिख रहा है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। अब इसके बाद आप लोग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये भी फाइंड कर दो, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते रहना ए यूनियन बी को, तो यहां पर 1 मिलेगा, 2, 3, 4 हम नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हमें यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 एंड 8, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर फर्स्ट पार्ट की हेल्प से अगर मैं RHS को देखूं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपके सामने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हमने निकाल के रखा हुआ है, उनमें इंटरसेक्शन कर दो जरा। तो इंटरसेक्शन करोगे तो 1 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 भी लिखोगे और 8 भी लिखोगे, बात समझ आ रही है। और ध्यान से देखो, यही आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखो, यहां पर ये देखो वैल्यू आपने निकाल रखी है, क्लियर है बच्चों। तो बस यहां से RHS इक्वल टू क्या आ गया, LHS आ गया, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने वेरीफाई कर लिया, बस यहीं से आपका काम खत्म हो गया। लेकिन मैं तो आपके लिए दोनों लॉ शो करने वाला हूं, तो सेकंड लॉ भी देख ले। तो सेकंड लॉ में अगर आप यहां पर RHS देखेंगे, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर क्या होने वाला है, 1 लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी, 7 भी और 8 भी, मतलब सारे एलिमेंट्स हमने मिक्सअप कर दिए, लेकिन कोई भी रिपीटिशन नहीं करना चाहिए,
ठीक है बच्चों। और अगर ध्यान से देखें आप लोग तो आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाली हुई है ना। तो बस इस वैल्यू को देखते हुए यहां पर आप लोग इसे बोल दो कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, नाउ दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो बस जी ये भी प्रूव हो गया। तो बस इस तरीके से आपका डी मॉर्गन्स लॉ हमने दोनों ही वेरीफाई कर दिए। अब चलते हैं जरा इसके बी पार्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन 5 का बी पार्ट आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, आपको एक सेट ए दिया हुआ है, आपको एक सेट बी दिया हुआ है, और यहां पर आपको ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए और फिर दूसरी चीज भी निकालनी है। चलिए काम शुरू कर देते हैं जरा। तो सबसे पहले यहां पर तो मैं बी इंटरसेक्शन ए निकाल के रख लेता हूं। तो बी इंटरसेक्शन ए यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो 3 तो दोनों में नहीं है, यहां 4 भी नहीं दिख रहा मुझे कॉमन, लेकिन 5 दोनों में कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 9 भी नहीं और 10 भी नहीं। बस जी यही आपका कॉमन है यहां पर। अब जरा a माइनस बी ये भी निकाल लो। तो a माइनस बी ये क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी सेट a के एलिमेंट ये रहे, सेट b के एलिमेंट ये रहे। तो यहां से आपको 4 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नहीं लिखना, 7 लिख सकते हो, ठीक है, फिर 8 लिख सकते हो। इसी तरीके से हम लोग b माइनस ए भी फाइंड कर लेंगे। तो b माइनस ए यानी हम यहां पर 3 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां से a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब चलते हैं जरा फर्दर हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, सबसे पहले ये करना है फिर ये भी करना है। तो चलिए वन बाय वन काम शुरू करते हैं। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन ए इस तरीके से आपको करके दिखाना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सेट ए में से आपको बी इंटरसेक्शन ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों। तो चलिए जी काम शुरू करिए। तो यहां से आपका 4 आएगा, 7 आएगा और फिर 8 आएगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ए माइनस बी का यूनियन करना है किसके साथ, तो बी माइनस ए के साथ, और इन दोनों की वैल्यू तो आपने निकाली है, ये रही जी वैल्यू। चलिए काम शुरू करते हैं। तो 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10, एक बार चेक करो, मैंने दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट्स मिक्सअप कर दिए हैं बच्चों, ठीक है, और यही तो होता है यूनियन में। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 6, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। यहां पर क्या बोला गया है आपको, यहां पर फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि सेट ए और सेट बी की वैल्यू आपके सामने है। तो यहां पर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों निकालने हैं और आपको वेन डायग्राम भी बनाना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सेट बी का ना टेबुलर फॉर्म लिख लो। तो यहां पर सेट बी का टेबुलर फॉर्म क्या बन जाएगा, यही लिख देता हूं। तो यहां पर आपको नेचुरल नंबर लेना है जो कि लेस देन या इक्वल टू 5 हो। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस इतना ही आएगा। अब यहां पर जरा मैं सबसे पहले आपके लिए ए इंटरसेक्शन बी लिखने वाला हूं। तो ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन करो, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है। तो यहां पर 1 कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर 4 और यहां पर 5। अच्छा इसके बाद ए यूनियन बी, अब ये करके दिखाओ। तो ए यूनियन बी यहां पर क्या होगा बच्चों, दोनों में आपको एलिमेंट्स मिक्स कर देने होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मतलब वेन डायग्राम भी बनाना है यहाँ पे, चलिए वेन डायग्राम भी बना लो। सो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक ना रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लूंगा। तो ये रहा जी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब सेट ए और सेट बी को यहां पर शो करने वाले हैं। चलिए तो सेट ए और सेट बी के लिए हम जरा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा जी आपका सेट ए इस तरीके से, ये थोड़ा छोटा सा ही रह जाएगा और सेट बी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब बड़ा क्यों करेंगे ये बताओ मुझे, तो सेट बी में एक्चुअली ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको बड़ा करेंगे। ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट बी हो गया और ये आपका सेट ए हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां पर दोनों में ये देख रहे होंगे आप लोग, कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो यहां पर आपको लिखना होगा, तो 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है। इसके अलावा सेट बी में एक एलिमेंट 3 भी प्रेजेंट है। अब इस तरीके से आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। चलें बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है, इसमें क्या बोला हुआ है, इस चीज को ना हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसको प्रूव करने वाले हैं। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम
यहां पर मैं आपके रेफरेंस के लिए बना देता हूं बच्चों। तो अगेन यहां पर आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरीके से मैंने बना दिया, ये आपका यहाँ सर्कल आ जाएगा, मतलब सेट ए का सर्कल। तो ये रहा जी सेट ए का सर्कल आपके लिए, इसको आप सेट ए बोलो, यहाँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये आपका सेट बी इस तरीके से आप लिख दो, ठीक है बच्चों। अब सुनना ध्यान से बच्चों, ये जो ओवरलैप्ड पोर्शन है मतलब कॉमन वाला हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं आप लोग? ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसे क्या बोलते हैं? वैसे तो वर्ड्स में इसको बोलते हैं ओनली ए, लेकिन लिखते कैसे हैं? ए माइनस बी, समझे? इसी तरीके से इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ओनली बी, ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? सो बी माइनस ए, ठीक है बच्चों। अब जरा यहां पर काम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये लिख दूंगा कि कंसीडर द वेन डायग्राम, ठीक है, यानी वेन डायग्राम को देखते हुए हमें अपना काम यहां पर कंप्लीट कर लेना है बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें और मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, सो ए यूनियन बी बेसिकली क्या होगा कि ए माइनस बी का यूनियन कर दो किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और फिर इसका यूनियन कर दो किसके साथ? तो बी माइनस ए के साथ, मतलब ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, तीनों पोर्शन को मिला दोगे तो आपको ए यूनियन बी वाला पोर्शन मिल जाएगा, मतलब सेट ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं इसे देखो इस तरीके से लेने वाला हूं, मतलब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करने वाला हूं इन सभी सेट्स के। तो इस वजह से आरएचएस में क्या हो रहा है ध्यान से देखते रहना बच्चों। यहां पर देखो इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर एन ऑफ बी माइनस ए ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों अगर आप ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे तो बेसिकली ये तो सेट ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देगा, समझे। और यहां पर अब ये बच गया एन ऑफ बी माइनस ए। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर एक ब्रैकेट यूज करते हुए, यहां पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से मैंने एड कर दिया, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है। ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मैंने प्लस किया तो माइनस भी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लिखने की वजह से यहां पर क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिख रहा है ना वो क्या बन गया, तो बी माइनस ए में अगर इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स कंबाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो ये पूरा सेट बी मिल जाएगा, ध्यान से देख लो। और इस वजह से बाहर अब ये क्या बचा रह गया, तो बाहर ये बचा रह गया और ये पूरा तो आपके एन ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल चल ही रहा है। तो बस इस वजह से आप यहां लिख सकते हो कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला गया है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ये सेट ए आपके सामने है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो सारे आपको लिखने हैं। सबसे पहले तो एक काम करता हूं मैं, मेंटल वर्क कर लो या साइड में कर लो, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं ये तो पता करो पहले। तो सेट ए का पहला एलिमेंट ये देखो ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये पूरा एक सेट ही बन गया, और तीसरा एलिमेंट ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो तीसरा एलिमेंट है और जो पहला एलिमेंट है वो सेम ही तो है। इस वजह से मुझे सेट ए में एक्चुअली में दो ही एलिमेंट्स दिखेंगे, समझे कि नहीं, बात क्लियर है सभी को। तो यहां पर सेट ए में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से यहां पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो 2 की पावर 2 यानी टोटल 4 सबसेट्स यहां पर सेट ए के हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, यानी सबसेट्स ऑफ सेट ए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट का सेट, उसके बाद ये रहा सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट का सेट, और इसके बाद कंप्लीट सेट ए हमें लिखना होगा। ये लो जी आपके चारों सबसेट्स यहां पर आ चुके हैं फॉर द सेट ए, बात खत्म हुई। अब इसके बाद इसने आपसे कुछ और भी लिखने के लिए बोला हुआ है, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स डज इट हैव, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स भी आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, यहां पर फॉर्मूला देखो ये होता है, ठीक है, सो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी ये 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यानी 3 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अब इसके बाद आगे भी कुछ बोला हुआ है, स्टेट इफ इट इज पॉसिबल टू राइट इट्स पावर सेट, इफ यस देन राइट इट, भाई क्यों पॉसिबल नहीं होगा, जब सबसेट्स लिखना पॉसिबल है तो पावर सेट लिखना पॉसिबल क्यों नहीं होगा। यहां पर मैं कहूंगा यस इट इज पॉसिबल
यस इट इज पॉसिबल टू राइट पावर सेट ऑफ द सेट ए यानी पी ऑफ ए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं जरा। तो P ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, तो ऊपर आपको सेट A के सबसेट्स दिख रहे होंगे, उनका हमें कलेक्शन बना देना है। ये लिखा मैंने फाइव, ये लिखा आपका ये करली ब्रैकेट ऑफ फाइव, और उसके बाद आपका ये वाला सेट लिख दो जी, ठीक है, करली ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। और यहां पर फिर ये लास्ट वाला सबसेट लिख दो जो कि सेट A के लिए हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये बन गया आपका P ऑफ A, मतलब आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर आपसे बोला हुआ है आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, मतलब यहाँ डिसजॉइंट सेट्स का पेयर पता करना है। दो सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन लेने पे हमें फाइव मिल जाए, समझे। अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स का पेयर। तो चलिए जरा अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमें ये वाला सेट और ये वाला सेट दिया हुआ है, इनके नाम तो नहीं है, तो क्या हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा ना कि AEIOU, ठीक है, जरा इसका इंटरसेक्शन तो ले लो इसके साथ CDPS, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, आप चेक कर सकते हो ये फाइव आने वाला है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग द गिवन पेयर ऑफ सेट्स, द गिवन पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट, ये जो पेयर है ये डिसजॉइंट होने वाला है। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं जरा इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर। अब पॉजिटिव प्राइम नंबर मतलब टू से स्टार्ट हो जाएगा, टू थ्री फाइव सेवन ऐसे लिखते रहो, क्योंकि कहां तक लिखना है ऐसी कोई लिमिटेशन तो इन्होंने दी नहीं है। अगला 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, लिखते रहना बच्चों, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इस वाले सेट का भी यहां पर सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं ये पता करना पड़ेगा, तो चलिए इसका भी जरा रोस्टर फॉर्म तैयार कर लो। यहां पर बोला हुआ है इवन इंटीजर, मतलब जीरो, ठीक है ना, इवन होता है, प्लस टू, प्लस फोर, माइनस फोर। देखो यहां पर इन्होंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा या नेगेटिव इवन इंटीजर होगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो दोनों टाइप के इंटीजर्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब यहां पर दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो मुझे ये तो पता है ना कि यहां पर एलिमेंट टू, मतलब ये प्लस माइनस टू में जो प्लस टू है और यहां पर टू, ये तो कॉमन है, तो ये कॉमन है तो लिख दो यहां पर। तो जैसे ही आपने लिखा तो बस इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ये फाइव के इक्वल नहीं है। तो यहां पर आप आंसर क्या बोलोगे कि यहां पर ये जो गिवन पेयर है, द गिवन पेयर ऑफ सेट्स, द गिवन पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, इज नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है बच्चों। अब चलें अगले क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 9 आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो यहां पर क्या करना है, बेसिकली पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है हमें। यहां पर बोला हुआ इट इज फाउंड दैट 105 पीपल टेक ब्रांड एक्स टी, 130 पीपल टेक ब्रांड वाई टी, फिर 145 लोग यहां पर ब्रांड जेड का टी ले रहे हैं। इफ 70 पीपल टेक ब्रांड एक्स एज वेल एज ब्रांड वाई, 75 लोगों ने वाई और जेड ब्रांड टी लिया, 60 लोगों ने यहां पर एक्स और जेड ब्रांड टी लिया, एंड 40 लोगों ने तीनों ही ब्रांड का यहां पर टी लिया है, टी मतलब चाय, सिंपल सी बात। फाइंड हाउ मैनी पीपल आर सर्वेड हु टेक द टी ऑफ एनी काइंड, फिर हमें यह भी बताना है कि हाउ मेनी टेक ब्रांड जेड टी ओनली। एक काम करिए, अब एक काम करना बच्चों, यहां पर ये अजम्पशन ले लो, एक सेकेंड, लेट एक्स वाई जेड डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु टेक ब्रांड एक्स वाई एंड जेड टी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आपने ये सेट्स एज्यूम कर लिया। अब यहां पर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से सारी सिचुएशन को इलस्ट्रेट करूंगा और अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट का आप लोग बॉक्स बना दो, और फिर इसके बाद जो भी सेट्स आपके सामने हैं उन सेट्स के लिए जरा सर्कल भी मैं बना देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपका ये सेट एक्स आ गया, ठीक है, फिर यहां पर ये आपका सेट वाई आ गया इस तरीके से,
और ये इस तरीके से आपका सेट जेड भी बना दो। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, ये एक्स वाला हुआ, ये वाई वाला हुआ और ये जेड वाला हो गया। अब इसके बाद यहां पर मैं एलिमेंट्स इनपुट कर दूंगा, मतलब स्मॉल ए यानी नंबर ऑफ पीपल जो कि सिर्फ टी एक्स ले रहे होंगे, ऐसे यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में आपके पास डाटा है उसको देखते हुए और वेन डायग्राम को देखते हुए अपना काम हम करेंगे। तो यहां पर इसने बोला हुआ है कि 105 पीपल टेक ब्रांड एक्स, तो यहां पर डायग्राम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, समझे? तो कितने लोग हैं ये, 105। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही ब्रांड वाई की बात करोगे तो यहां पर बी प्लस सी, ये देखो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, समझे बच्चों? तो ये कितना है, दिस इज 130। फिर ब्रांड जेड को देखो, डायग्राम के हिसाब से क्या बनेगा, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, और ये क्या बनेगा, तो ये 145 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, इफ 70 पीपल टेक ब्रांड एक्स एज वेल एज ब्रांड वाई, तो डायग्राम के हिसाब से एक्स और वाई दोनों में क्या प्रेजेंट है, तो बी प्लस सी, नाउ दैट इज इक्वल टू 70। इसके बाद 75 मतलब वाई एंड जेड वाला, सो वाई एंड जेड दोनों में क्या प्रेजेंट है, तो सी प्लस एफ। ठीक है, इसके बाद 60 लोग ऐसे हैं जो कि जेड और एक्स दोनों ही सेट्स में प्रेजेंट होंगे, तो डायग्राम के हिसाब से ये क्या बना, ये बना सी प्लस डी। और फिर 40 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों ही सेट्स में प्रेजेंट है, यानी स्मॉल सी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट मी राइट ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस। यहां से सबसे पहले सी की वैल्यू वो तो हमें दिख ही रही है, यानी 40। इसके बाद डी की वैल्यू यानी 20, कैसे निकाला, यहां सी की वैल्यू पुट कर दो। अब यहां पर सी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एफ मिलेगा, 75 माइनस 40, सी की वैल्यू 40 है तो ये बन जाएगा आपका 35। फिर यहां पर देखोगे तो यहां से बी की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तो यहां पर सी की जगह 40 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 30। ठीक है, अच्छा इसके बाद इस वाले इक्वेशन में आ जाओ, तो यहां पर कुछ चीजों की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब जैसे सी की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू पता है, तो चलो इनको यूज कर लो। तो सी का मतलब 40 है, डी का मतलब आपके लिए 20 है, सी प्लस डी यानी 40 प्लस 20, और एफ का मतलब यहां पर 35, यानी टोटल कितना बन गया, ये 40 प्लस 20 प्लस 35 यानी ये बन गया आपका 95। तो 95 प्लस जी, नाउ दैट इज इक्वल टू 145। बात समझ आ रही है? अब जरा यहां पर कैलकुलेशन करो, यानी जी की वैल्यू कैसे मिलेगी, 145 में से 95 को सेपरेट कर दो, कहने का मतलब 50 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? बस ये काम हो गया। अब इसके बाद पिछली इक्वेशन में चलो, यानी इससे पहले वाले इक्वेशन, यानी इस वाले इक्वेशन में चलो, यहां से आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी यहां पर क्या बन गया बच्चों, 30 प्लस 40 यानी 70 प्लस 35 यानी 105, 105 प्लस ई इक्वल टू 130, यानी ई की वैल्यू यहां पर 25 मिल जाएगी। अब जरा इसके पिछली इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलो, यहां से आपको ए मिल जाएगा, समझे? तो बी प्लस सी प्लस डी करेंगे तो 90 आ जाएगा, उधर आपका 105 दिख रहा होगा, कहने का मतलब यहां पर 15 मिल जाएगा, ए की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद जरा देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमें फाइंड क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहले इसने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड हु टेक द टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप का टी लेने वाले टोटल कितने लोगों पे ये सर्वे किया गया। तो टोटल यहां पर जितने लोगों पे सर्वे हुआ है वो कौन से हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं जरा अगले पेज पे, एंड लेट मी राइट नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, ठीक है, जिनका हमने सर्वे किया, तो वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको जरा ऐड कर दो। तो यहां पर मैं देखता हूं भाई क्या होने वाला है, 25 प्लस 35 ये मिलकर तो 60 हुआ, यहां पर 60 पहले लिख लो, इन दोनों का काम हुआ। अच्छा, इसके बाद ये सब आपको ऐड होकर बड़े आराम से क्या देने वाले हैं, तो ये बनने वाला है 70 प्लस 70 यानी 140। ठीक है, अच्छा फिर आपका 15 बचा रह गया, कहने का मतलब ये बन जाएगा आपका 60 प्लस 140 प्लस 15, तो ये बन जाएगा आपका 200 प्लस 15 यानी 215, यानी 215 लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर टोटल सर्वे किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और इसमें एक और चीज पूछी गई है, उसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहां पर पूछा गया है हाउ मैनी
टेक ब्रांड जेड टी ओनली, तो ब्रांड जेड टी लेने वाला सिर्फ ये जी है, सिर्फ ये जी है, तो जी की वैल्यू क्या है, तो 50। तो बस अपना आंसर डिक्लेयर कर दो, यहां पर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु टेक ओनली ब्रांड जेड, ठीक है। तो ये क्या बना था बच्चों, यहां पर जी, और जी का मतलब है 50, ठीक है। तो ये लिखो जी, नाउ दैट मीन्स 50, इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी देन शो दैट ए इक्वल टू बी। अब एक काम मत करना कि पी से पी काट दो और चलो जी आपका काम हो गया, है ना, ऐसा काम मत करना। तो कैसे करना है, बेसिकली यहां पर ये जो पी ऑफ ए गिवन है ना, ये क्या है बच्चों, तो पी ऑफ ए बेसिकली पावर सेट ऑफ सेट ए है। तो पावर सेट के अंदर क्या आता है, सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो पी ऑफ ए के अंदर आ जाएंगे, सेट बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो पी ऑफ बी के अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब पी ऑफ ए के अंदर क्या प्रेजेंट होने वाले हैं, तो सेट ए के सारे सबसेट्स प्रेजेंट होने वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन दिस एक्स कैन बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट एक्स सच दैट कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सो देयरफॉर दिस कैपिटल एक्स मे बी एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पी ऑफ ए फॉर श्योर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ये आपको बोला हुआ है कि पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी इक्वल है, इस चीज को आप लोग यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं, यहां से हम कहेंगे अगर x p of b में प्रेजेंट है, मतलब बिलोंग कर रहा है, तो बेसिकली ये जो x होगा इट विल बी अ सबसेट ऑफ सेट b, मतलब जो सेट x का एलिमेंट यानी स्मॉल x है वो आपके सेट b का भी एलिमेंट होगा। देखो कहानी हमने यहां से शुरू की और यहां तक पहुंच गए, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि x ऐसा एलिमेंट है जो कि a में भी है और वो b में भी है, मतलब a जो है वो b का क्या होने वाला है, तो सबसेट होने वाला है। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, एक और अजम्पशन लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू एज्यूम एन एलिमेंट y प्रेजेंट इन सेट b, तो फिर मैं कहूंगा कि दिस एलिमेंट y कैन बी प्रेजेंट इन अ सेट y सच दैट दिस सेट y can be a subset of set B, therefore this set Y can belong to the power set of B, means Y belongs to power set of A, क्यों, क्योंकि P of A is same as P of B, समझे। यहां से conclusion क्या आएगा, अब इसके बाद यहां से conclusion ये आएगा कि capital Y मतलब set Y will be a subset of set A। चलिए अगले पेज पे लिखते हैं, यानी यहां पर y will be a subset of a, that means y का जो एलिमेंट small y हमने assume किया था, यहां पर आप देख सकते हो, है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये जो small y है, this will be an element of set a also। अब देखो यहां तक हम पहुंच गए, मतलब y is an element of set a और हमने assume किया था y as an element of set b, तो इससे conclusion ये मिला कि b is a subset of a, समझे। इसे equation second बोलो और इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो बस बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ए इज इक्वल टू बी, दैट वाज टू बी प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन 10 हमने सॉल्व कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, और इसका एक अल्टरनेटिव भी है हमारे पास, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, देखना ध्यान से मैं किस तरीके से स्टार्ट कराता हूं। लेट मी अज्यूम एन एलिमेंट x विच इज प्रेजेंट इन a माइनस बी, विच इंप्लाइज कि x इज प्रेजेंट इन a एंड x इज नॉट प्रेजेंट इन b, समझे, x इज नॉट प्रेजेंट इन b, दैट मीन्स x इज प्रेजेंट इन a And x is present in b complement. बात समझ आई, x आपका b complement में present होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x will be present in a intersection b complement. बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, आपने यहां से काम शुरू किया कि
कि एक्स ए माइनस बी में प्रेजेंट है और आप यहां तक पहुंच गए कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी मे बी अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझे कि नहीं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। अब जरा यहां पर आ जाओ, अब जरा यहां पर आ जाओ, एक काम और करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि लेट वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इज प्रेजेंट इन ए एंड वाई इज प्रेजेंट इन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज प्रेजेंट इन ए एंड वाई इज नॉट प्रेजेंट इन बी। बात समझ आई, वाई इज नॉट प्रेजेंट इन बी, इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज प्रेजेंट इन ए माइनस बी, ठीक है। देखो यहां से काम शुरू हुआ, यहां तक काम हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि y इसमें भी प्रेजेंट है और y इसमें भी प्रेजेंट है। सो दैट मींस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट होगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ a माइनस b वाला सेट। समझे, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। यहां फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से बड़े आराम से कंक्लूजन लिखा जा सकता है कि a माइनस b मे बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो बस जी, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन तो कंप्लीट कर लिया, समझे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं सेशन आज का वाइंड अप कर दूं, चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिशिया सीरीज बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सो हियर वी गो टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक, यानी यहां पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहां पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जांपल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, समझे। यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also. Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो दो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, ठीक है। और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल के दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12th के लिए, और ये क्लास 11th के लिए, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12th के लिए। और क्या है हमारे पास, ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे। और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।